तो यहाँ मौजूद है रोहित डीजे के साथ और हम जुड़ेंगे सीधा मालिक से और जानकारी लेंगे पूरे डीजे के बारे में। बताइए डीजे में कितने बेस, कितने लाइनर और कितने लाइट? इसमें 36 बेस हैं और करीब 16 लाइनर हैं, 20 टॉप हैं और लाइट हैं करीब 26। बताइए ये जो आपने पूरे JBL के स्पीकर्स यूज किए हैं, JBL के स्पीकर्स माने ही जाते हैं कि एकदम फाड़ू आवाज देते हैं, तो क्या इस बार भौकाल मचाने, रोड पे भौकाल मचाने का पूरा इरादा तो यही है, इरादा तो भौकाल मचाने का ही है पूरा। ठीक सामने मोनू डीजे जो पिछली बार का एकदम चैंपियन रहा, वायरल रहा, इस बार उसके सामने आप खड़े रखे, क्या पूरा कॉम्पिटिशन देने का प्लान? कॉम्पिटिशन नहीं है हमारा, ये भी भाई है, अपने बड़े भाई है, कोई कंपटीशन नहीं है इनसे, भाईचारे के साथ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत में। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि अभी लोगों में ना काफी हाइप बना हुआ, कौन सा डीजे बेस्ट होगा, किसका कंपटीशन किसके साथ होगा, तो भाई के साथ तो कंपटीशन आपका नहीं है, किसी और के साथ कंपटीशन? किसी के साथ नहीं है, बाकी जो खुद आएगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि रोहित डीजे बड़ा बेस्ट है, तो वो पहले से आपने वो हाइप बना रखी है, अब इस बार का कैसा लग रहा है कि इस बार भी वो हाइप रहेगी? जनता बताएगी। बिल्कुल, कब निकलेंगे आप यात्रा? हम निकलेंगे कल शाम में। टेस्टिंग कब होगी? कल सुबह टेस्टिंग होगी। तो दर्शक सुन लीजिए, कल सुबह रोहित डीजे का टेस्टिंग होगा, तो यहाँ पे मौजूद जरूर रहिए उनके साउंड सुनने के लिए। ऐसा भी बताया जाता है जब डीजे निकलती है तो शीशे वीशे टूटने लगते हैं, क्या आप लोग का अभी प्लान है वैसे? बस शीशे तो अपने आप टूटेंगे, हम क्या तोड़ेंगे। जैसे अभी जैसे यहाँ के पर्दे खुले ना, लोगों के कैमरे स्टार्ट हो गए, फटाफट वीडियो बनाने लगे, मतलब इतना ज्यादा हाइप है, अभी सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है अभी तो इसी वजह से। तो बताइए अभी लाइट वाइट लग चुकी है पूरी, एकदम रेडी हो चुकी है, कितने दिन की यात्रा होगी? करीब होगी 8-9 दिन की। तो रूट कौन सी ले रहे हैं, रुड़की की रूट ले रही है? नहीं, बार बार हाईवे से। जाते हैं कि जो डीजे होते हैं ना, डीजे के लिए अभी जितना कावड़ियों में हाइप बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वो लोग ना आपस में लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं ना डीजे के फैन जो है वो आपस में लड़ रहे हैं कि रोहित बेस्ट है, अमर बेस्ट है। तो इस बार क्या आप हेल्दी कॉम्पिटिशन, भाईचारा तो रखना ही है, बट हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? कॉम्पिटिशन बताया तो आपको, कॉम्पिटिशन हमारा किसे निजी है नहीं, लेकिन जो भी कोई कॉम्पिटिशन करेगा तो हम बिल्कुल करेंगे। बुकिंग का कुछ बताएंगे, बुकिंग किया था कैसे? बुकिंग हुआ था। अमाउंट तो मैडम थोड़ा सा, बिल्कुल सस्पेंस भी दे दीजिए, थोड़ा मोटा, थोड़ा छोटा मोटा होगा। 36 बेस यूज करने के बाद कैसा साउंड होगा, कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा सस्पेंस में ही है, देखो कैसा बजता है। आपने अभी तक टेस्टिंग तो की नहीं? नहीं, अभी नहीं की। लगता है जैसे अभी ये हमें तो कुछ बता नहीं रहे, वैसे थोड़ी मोड़ी जानकारियां दे रहे, बट जिस तरीके से इनकी बोली की शैली है वो बता रहे हैं कि कंपटीशन तो तगड़ा है, जब मैदान में उतरेगा ना तो दहाड़ तो इस तरीके से मारने वाला है रोहित डीजे कि लोग देखते रह जाएंगे। जिस प्रकार अभी भीड़ भी जमा हो चुकी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फैन बेस कितना, हम बाकियों से भी जुड़ते हैं। बताइए जो ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर कितने ट्रैक्टर लग रहे हैं? एक ही ट्रैक्टर है। और जनरेटर? दो जनरेटर है। दो जनरेटर में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पेट्रोल कितना लगेगा? डीजल 1000 लीटर, 1000 लीटर डीजल लगेगा। डीजल 1000। कितने दिन से तैयारी चल रही है? ये चल रहा है 2 तारीख से। कितने लोग लगे? अपने पास 15-20 जने हैं। यहाँ पर आप जितने दिन से तैयारियां कर रहे थे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया? लोगों की तो काफी प्रतिक्रिया है कि देख रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं देख रहे डीजे, और चल रहा है अभी टेस्टिंग, कल मारेंगे हम इसकी। कल क्या उम्मीद रख रहे हैं कि कल कैसी भीड़ होगी, कैसे जमा? वो तो कल पता चलेगा कैसी भीड़ होगी, सस्पेंस में अभी मामला जा रहा, हमें खुद नहीं पता कि कैसे बजेगा अभी। हमें कुछ कहना चाहेंगे कावड़ियों से, लोगों से जो देखने आएंगे? कहना क्या चाहेंगे, देखो रोहित डीजे आया मेरठ से, सेकंड बार है इस बार। पहले इसके बार पिछले साल पिछली बार आए थे एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरी बार है, दूसरी बार भी ये टॉप में रहने का पूरा प्लान बना चुके हैं और कल इसकी टेस्टिंग है। तो जितने भी दर्शक हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ये तो जरूर लिखिएगा कि कौन सी बेस्ट है रोहित डीजे की, जो डीजे है कैसी लगेगी वो बताइएगा, और आप आ रहे हैं कि नहीं यहाँ टेस्टिंग देखने के लिए और इस यात्रा में शामिल होने के लिए भी बताइएगा। धन्यवाद।